हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग फूडी जूही। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और नॉर्थ में तो हल्दीराम बीकानेर वाला ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और इनका फूड बहुत यमी भी होता है। बट मैं लास्ट 7 ईयर्स से मुंबई में रह रही हूँ और मुंबई में भी हल्दीराम आ चुका है, 2-3 ईयर्स हो गए। सो आज मैंने हल्दीराम से उनकी संपूर्ण थाली ऑर्डर करी है। मगर क्यों? सो लेट्स कंपेयर कि मुंबई में भी उनका टेस्ट वैसा ही है जैसा नॉर्थ में है या कुछ ऊपर नीचे है। सो लेट्स बिगिन। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ठीक है समरिया, मुझे नॉर्थ के हल्दीराम का टेस्ट बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा मन था तो मैंने सोचा इनकी थाली ऑर्डर करते हैं। ये है इनकी संपूर्ण थाली जो मैंने जोमैटो से ऑर्डर करी है। ये मुझे पड़ी है 400 रुपीज़ की, और इसका डिलीवरी टाइम लगा है 45 मिनट्स, विच इज़ ओके मुंबई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इन्होंने पापड़ चूरी का एक पैकेट दिया है। आई डोंट नो हल्दीराम की ऐसी पापड़ चूरी भी आती है। ओह माय गॉड, वाओ! तो ये है हल्दीराम की पापड़ चूरी। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। सो हमें एक पापड़ चूरी का पैकेट मिला है, और ये है हमारी थाली जो 45 मिनट्स बाद भी वार्म टू टच है, हल्की गर्म है। इसको खोल के देखते हैं ये कैसी है। ओह माय गॉड, ये कुछ इनकी संपूर्ण थाली कुछ ऐसी दिखती है। नाइस। जोमैटो पे इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें थी, और इसमें क्या एक्चुअली आया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज लुकिंग अमेजिंग, बट लेट्स फाइंड आउट इज इट वर्थ 400 रुपीज और नॉट। सो जोमैटो में लिखा था कि इट विल हैव पनीर बटर मसाला। सो दिस लुक्स लाइक पनीर बटर मसाला। वाह, इसको अभी का अभी आईएस घोषित कर दो। विच इज ओके क्वांटिटी, इसमें 4 पनीर के पीसेस हैं। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है, एंड इट वॉज सपोज टू हैव अ मिक्स वेजिटेबल्स। सो दिस लुक्स लाइक द मिक्स वेजिटेबल जो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, एंड दाल फ्राई और दाल तड़का। दिस इज ऑल्सो लुकिंग जस्ट ओके, बट मेन टेस्ट तो टेस्ट से होगा। दिस इज जीरा राइस एंड 2 पराठाज मिले हैं इसमें हमें। पराठाज आप देख सकते हैं, वीट पराठाज है, ये लच्छा पराठा टाइप है। साथ में स्वीट में मिला है रसगुल्ला एंड पिकल, एंड दिस इज द सैलड। सो लेट्स टेस्ट टेस्ट दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द पनीर बटर मसाला। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई द पनीर बटर मसाला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड द पापड़ चूरी, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। तो सबसे पहले इसी को खोल के देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। इसको मैं राइस के ऊपर ही निकाल लेती हूँ। ओ माई गॉड, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पापड़ एंड पीनट्स। इसमें पीनट्स भी मिक्सड हैं, एंड दिस इज लुकिंग वेरी यमी एंड क्रंची। आप देख सकते हैं, सुपर क्रंची। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। दिस इज लच्छा पराठा जो थोड़ा गर्म होता तो और अच्छा लगता, बट लेट्स स्टार्ट विद द पनीर बटर मसाला। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट द पनीर बटर मसाला। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट द पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला लुक्स वेरी वेरी सिल्की यमी, स्मूथ टैंगी। वेरी नाइस, टमाटो ग्रेवी है, बहुत टैंगी यमी, बिल्कुल नॉर्थ के पनीर बटर मसाला जैसा इसका टेस्ट है। वेरी वेरी नाइस। नाउ लेट्स ट्राई द मिक्स वेजिटेबल। दिस इज ऑल्सो नाइस,
बट दिस इज इन अ ग्रेवी. इफ दिस वुड हैव बीन अ ड्राई वेजिटेबल्स तो शायद ये बेटर होता है. इसकी ग्रेवी ओकेश टाइप है. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. नाउ लेट्स ट्राई द दाल. दाल तड़का इज वेरी वेरी बेसिक, नॉट इवन क्लोज टू नॉर्थ के ढाबा स्टाइल की दाल तड़का, बट दिस इज ओके. लेट्स ट्राई वन मोर बाइट ऑफ द पनीर बटर मसाला. अरे बस कर भाई. इसमें कैश्यूज का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है. बहुत सिल्की स्मूथ ग्रेवी है, बटरी है. टमाटो का बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर आ रहा है. वेरी नाइस. अगर हम इसको वहाँ बैठ के खाएंगे तो ये शायद हमें और भी अच्छी लगेगी, अगर ये गर्म होगी तो. नाउ लेट्स ट्राई द राइस विद द दाल एंड द पापड़ की चुरी. राइस इज ओके, नॉर्मल जीरा राइस है. दाल इज टेस्टिंग मच बेटर विद द राइस एंड पापड़ की चुरी मिक्स करके तो इसका टेस्ट एकदम एलिवेट हो गया है. एक्सट्रीमली गुड. दिस दाल फील्स लाइक घर की बनी हुई दाल एंड द होल फील ऑफ द मील इज वेरी नाइस. नाउ लेट्स ट्राई द रसगुल्ला. दिस इज नाइस बट दिस इज टेस्टिंग मोर लाइक जो इनका कैंड रसगुल्ला आता है, इसका टेस्ट वैसा है राधा देन अ फ्रेश रसगुल्ला. मुंबई में मे बी आपको नॉर्थ का टेस्ट ना मिले बट दिस थाली इज ओवरऑल वेरी गुड. I would like to rate the paneer butter masala a solid 9 on 10. The mixed vegetables 7 on 10. Dal is 6 on 10. The paratha quality is also nice. Obviously, garam hota to better lagta. And the overall thali is a solid 7.5 on 10. Aap agar Mumbai mein hai, to aap isko zarur try kar sakte hai agar aapke nearby कोई हल्दीराम का आउटलेट है तो आप वहाँ जाके इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. मैं चली अपनी थाली को फिनिश करने. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. और आपको पता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो अगर मुझे ऐसे और वीडियोस करने चाहिए. और नेक्स्ट वीडियो में आप किस चीज़ का रिव्यू देखना चाहेंगे वो भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.